मेरा पास ये भाई का एमएटी इंजन आया है नहीं मिला और इसको मैंने खोल दिया था। इसका ब्लॉक पिस्टन उन्होंने भाई ने नया लाया, गियर पेडल नया लाया, गियर शाफ्ट नया लाया। अभी मैंने इसको फिटिंग कर रहा हूँ, गियर बॉक्स पहला फिटिंग कर रहा हूँ। एमएटी मेजर है, एमएटी फर्स्ट टू गाड़ी है, बहुत पुराना मॉडल है, बजाज का पहला गाड़ी है ये। ये और चेतक सेम, दोनों सेम टाइम में निकला था बजाज का। अभी गियर बॉक्स बैठ गया, लेकिन कितना नंबर पर गियर में है अभी मालूम नहीं। अभी ये लगाएंगे, उसका चेंजर लगाएंगे उसका। पिन को लुब्रिकेंट करके लगा देंगे, अब दूसरा वाला लगाएंगे। ये थोड़ा जाम जा रहा है, कभी कभी इसमें ये जंग पकड़ जाता है, लेकिन पॉलिश मारा था मैंने उसको। अभी लुब्रिकेंट करके लगा देंगे, आसानी से बैठ जाएगा। ये बैठ गया ये। अभी हमने इसमें क्रैंक फिटिंग करने वाला है। पहला गियर चेक करेंगे, गियर सही से गिर रहा है कि नहीं। अभी क्रैंक हमने फिटिंग कर दिया है और उसका किक शाफ्ट डाला है, किक शाफ्ट भी डाल दिया है इसमें। अब इसमें थोड़ा रेजिक बन का यूज करेंगे, इसके बाद में पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग फिटिंग कर दिया है, थोड़ा बंड लगा देने का उसमें, क्योंकि थोड़ा चैम्बर में पैकिंग निकालते समय थोड़ा ये हो जाता है, पतला हो जाता है। रेजिंग बॉन्ड यूज करेंगे, पैकिंग हिलता नहीं बाद में। अभी दूसरा वाला चैम्बर फिटिंग कर देंगे उसमें। चैम्बर फिटिंग हो गया। अभी इसका किक शाफ्ट में जो स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग लगा के बोस फिटिंग करेंगे, उसका प्लास्टिक का बोस होता है। ये उसका ऑयल पंप है और ऑयल पंप का गिरारी में एक लॉक होता है और लॉक फिट लॉक डाल दिया और पंप पर चेन के साथ लगा फिटिंग कर दिया। उसके बाद में उसका ऊपर एक प्राइमरी गियर होता है, उसमें भी लॉक होता है, इसमें भी फिटिंग कर दिया। हाथ से थोड़ा घुमा के चेक कर लेने का बैठा है कि नहीं। ये उसका ऑयल पंप है। उसके बाद में ये किक शाफ्ट फिटिंग कर देंगे, नया लाया है, पुराना वाला कट करके निकाला था, खराब था, उसमें होल्डिंग बना था। ये भी फिटिंग हो गया। ये भी बैठा नहीं है, उसको नट लगा देंगे। इसका पीछे वाशर नहीं आता है। सेटिंग चल रहा
कूलर का मतलब इसको 19 नंबर का नट है, टाइट कर देंगे, फुल टाइट हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके शॉर्ट वीडियो में बनाया जाता, बड़ा वीडियो भी नहीं बनाया। चोर लोग बहुत है, अपनी गाड़ी लगा के जाए वेल निकाल के लेके जाए, गारंटी नहीं होता, नहीं चोर है, नहीं जाए निकाल के लेके चला जला देगा वो। सारे नट बोल्ट टाइट, सारे बोल्ट टाइट कर लेने का ऐसे ऐसे करके। एक बार बंद करो, एक बार चालू करके लगे जाए। एक की लगा देने का, उसके बाद में उसका रोटर होता है, रोटर लगाएंगे। उसको हमने पूरा क्लीन कर लिया है, रोटर बैठ गया, एक वाशर आएगा, उसके बाद में नट है। इसका नट पहले से ही ख़राब है, कूलर नहीं बैठ रहा है, तो उसको छेने का हथौड़ी की मदद से टाइट कर देंगे। अपने पास जिसका कूलर है उसका, पर नहीं बैठेगा, खराब है पहले से नट। रोटर का पर जो कैप है उसमें का ऑयल सील डालना है जरूरी है, नहीं तो क्रैंक में ऑयल नहीं जाएगा। हमने नया ऑयल सील डाल दिया है, फुल टाइट कर देंगे। क्लच कवर का पैकिंग हमने नहीं डालने वाला है, अच्छा है पैकिंग उसका, थोड़ा बॉन्ड लगा दिया पैकिंग में, बिठा देंगे। बिठाने का टाइम है उसका, जो ऑयल पंप है उसको सीधा में लेने का, नहीं तो कवर बैठाने को तकलीफ देगा। आराम से धीरे 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 करके इसको बिठा देंगे, हल्का प्लास्टिक का हथौड़ी की मदद से। अभी ये पूरा बैठ गया, कैसा देखो। अगर ऑयल पंप का गिराड़ के साथ मैच नहीं होएगा तो कवर नहीं बैठेगा। सारे नट बोल्ट लगा के टाइट कर देंगे। चल ब्लॉक फिटिंग करने वाला है, पहला पिस्टन फिटिंग करेंगे, पिस्टन में रिंग लगाएंगे पहला। अब ये रिंग लगा दिया, अभी रिंग दूसरा वाला जो उसका ऑयल रिंग होता है कैसा फिटिंग करना, देखिए। पहला हाथ से मोड़ने का, जो नीचे बाजू जाएगा वो नीचे बाजू नीचे रखने का। दूसरे वाला भी सही, सेम टू सेम। अभी इसको मोड़ेंगे, कौन सा बाजू नीचे जा रहा है देखो, उसको नीचे रखने का। अभी टॉप टू फिटिंग करेंगे, काला वाला रिंग टॉप टू लिखा रहता है उस पर, टॉप वन टॉप टू। इधर 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 ये पार ठंडी पकड़ ले।
ऐसा हाँ इधर हाथ करके बेटा तो ऐसा ऐसे कर रहे तुम पूरा जो का भी जा रहा खाली पिस्टन पिस्टन नहीं मिलता है इन निशाना कार्बोरेटर बाजू रखने का पहला उसमें लव फिटिंग कर दिया है अभी उसका गजन पिन फिटिंग करेंगे उसको थोड़ा अभी लुब्रिकेंट कर दिया है हमने दूसरा वाला पिन फिटिंग करेंगे पर उसमें कपड़ा पुराना वाला कपड़ा डालना पड़ेगा नहीं तो उसका कभी कभी लॉक उसका गिर जाता है सीधा इंजन आपको खोलना पड़ेगा लॉक गिर जाएगा तो सावधानी से लॉक लगाना ज़रूरी है लॉक फिटिंग हो गया अब इसमें ब्लॉक पिस्टन डालने वाला है ब्लॉक को थोड़ा लुब्रिकेंट कर लिया है अब ये बैठ गया आराम से उसको टॉप में लेंगे बस बैठ गया थोड़ा दो चार किक मारेंगे पिस्टन उसमें टॉप में है ना बस भी हो गया टाइमिंग चेन फंसा लिया है ये टाइमिंग चेन का गिरारी है उसको लगाएंगे हेड हमने वाल फिटिंग कर लिया है कैम शाफ्ट रखकर नया है इसमें नया डाला है बस ये भी बैठ गया हेड बैठ गया हेड का चार नट है 11 नंबर का थ्रेडिंग है पर 10 नंबर का रिंग से टाइट होता है और चार पीतल का वाशर है उसमें इसको लगाएंगे पहला इसको रॉड को टाइट कर देंगे सारे नट बोल्ट टाइट कर देंगे 10 नंबर का ये हम मैग्नेट का नीचे कैप टाइट लगा देंगे उसमें ऑयल सील ले डाल देंगे और थोड़ा रेजिंग ऑयल का यूज़ करेंगे फिर अपन उसको बताते हैं भी बता के भी अपन परेशान होते मैं वही करने वाला था गाड़ी का कुछ सर्विसिंग है ना सर्विसिंग ही करेगा ऑयल सील पॉकेट का ऑयल सील डाल देंगे अब सही है वो वहीं पर दिमाग ठिकाने आ गया उसका अब क्या कर रहे हैं टेढ़ा बैठा था फिर से खोल के लगा रहा है उसको नहीं तो वही लीकेज मारेगा टेढ़ा बैठेगा तो पट्टी का मदद से बैठा देंगे उसको इसमें बोस होता है तो बोस लगाना जरूरी है नहीं तो वही लीकेज मारेगा मैग्नेट की लगा देंगे इसमें तो मैग्नेट लगाएंगे मतलब क्या ये मैग्नेट में स्प्लेंडर का कूलर बैठ जाता है हो गया था मतलब हो गया सुपर स्प्लेंडर का सूज गया था मतलब गया तो ऑपरेशन हुआ जब आपका नस अगर एक भी गड़बड़ हो गया तो कहाँ से खराब हो गया हम जो टेंशन लेते हैं बच्चे लोग उनके टाइम में देंगे हमारे बच्चों लोग सिर्फ क्या क्या सुनना टाइट कर देंगे 14 नंबर का बॉक्स से चादर का धंधा क्यों हो गया मैंने फुल टाइट हो गया अभी मजा ले रही है वो
भूल जाते मैं क्या करूं सामने, हम कोई बात कहने का नहीं है, भूल गया तो क्या करूं मैं। अभी वो लगा था तो वापस करना पड़ेगा सब का जो गियर सब का वापस लगा देना है यार। इसका टाइमिंग चेन का टेंशनर है, उसको भी पैकिंग लगाएंगे और सॉकेटिंग कर लेंगे। इसका ऑयल फिल्टर लगा दिया, ऑयल फिल्टर कैप है उसको लगा देंगे, टेपर सेटिंग करेंगे उसका, साइड प्ले रखने का, स्टैंडिंग प्ले नहीं रखने का। हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, सारे काम हो गया इसका। अभी इंजन चेस में फिटिंग करेंगे, गर्म है, गर्म होने के बाद बच्चे फायदा होता है हमारे चंद में सोने के बाद जो टाइम। फिटिंग कर दिया गाड़ी, चालू कर दिया हमने, पूरा एकदम मस्त है, गाड़ी चल रहा है, देखो चालू हो गया। हमने ऑयल प्रेशर पहले चेक कर लिया, उसका वीडियो शूटिंग किया नहीं है। ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें। ऐसा ऐसा वीडियो पुराना गाड़ी का नया गाड़ी का आते रहेगा। अब किक में चालू हो रहा है, सही है।